नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर रीवा से है, जहां के सिमरिया थाने के धीरा बांध गांव में आग ने जमकर तबाही मचाई है। घटना में ब्रजेंद्र अग्निहोत्री की फसल जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर जब तक पुलिस पहुंचती तब तक खड़ी फसल जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित ने इस घटना की जानकारी कई अधिकारियों को भी दी, लेकिन समय पर दमकल की व्यवस्था नहीं की गई। इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर तहसीलदार पहुंचे और किसान की हुई क्षति का आकलन किया है। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि झूलन मिश्रा नाम के व्यक्ति ने अपनी फसल को कटवा लिया था और उसका भूसा बनवाने के बाद उसमें कई जगह आग लगा दी। अचानक तेज हवा के कारण लगी आग फसल को भी अपने चपेट में ले ली और देखते ही देखते किसान की 15 एकड़ में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आइए दिखाते हैं किस तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति ने आग लगाकर किसान की फसल को बर्बाद कर दिया और सुनाते हैं पीड़ित किसान की पीड़ा। हम ये देख पा रहे हैं कि ये गेहूँ किस कैटेगरी का गेहूँ था। इसमें हमने 10,000 रुपए से भी ज्यादा बीज खरीद करके बोया था। आप देख पा रहे हैं ये गेहूँ ये कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है, कहीं ना कहीं ये जलन की भावना है और कहीं ना कहीं ये संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण ऐसे अन्न का के साथ में कुछ ऐसी करके और अंजाम दिया गया। अग्नि लगाई गई है और ये भैया आपके साथ क्या घटना है? मेरा नाम ब्रजेंद्र अग्निहोत्री है और मैं धीरा बांध में खड़ा हूँ, जहाँ पे 1 अप्रैल को लगभग 1:15 के आसपास यहाँ पे कुछ 2 ट्रैक्टर भूसा बना रहे थे। उस दरमियान जिन यहाँ के किसानों ने झूलन मिश्रा ने अपने खेत को परसों कटवा लिया था, उसको कटवाने के बाद मेरी ये फसल लगभग 15 एकड़ खड़ी थी, जिसमें वो कल दोपहर में आकर के भूसा बनवाने के बाद यहाँ पे एक नहीं कई जगह ही से आग लगा दी गई। और मैंने प्रशासन को जानकारी दिया, SDM साहब को भी मैंने संपर्क किया कि आग को तुरंत काबू कर दिया जाए, तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि आप और भी अधिकारी को लगा लीजिए। हालांकि बाद में उन्होंने कॉल किया और बताया कि मैंने संपर्क किया है, मगर यहाँ जो वाहन उपलब्ध हुए उस समय यहाँ आगजनी हो चुकी थी। और मेरा ये जो फसल आप देख पा रहे हैं, ये जल करके खाक हो गई। लगभग मेरा 15 एकड़ से ज़्यादा की क्षति हुई है, जिसको आग लगाने में जो सह है वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति विनीत मिश्रा और उसका लोकल में यहाँ पे नाम झूलन भी कहते हैं, जिसके माध्यम से ये आगजनी की गई। ये गंभीर जांच का विषय है कि यदि ऐसे अपराधियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं की जा रही है, अपराधियों को संरक्षण इसी प्रकार राजनीतिक दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। ये आप पूरा जंगल देख रहे हैं, ये पूरा आप क्षेत्रफल देख पा रहे हैं, जिसमें पूरा लगभग 40 एकड़ का जो ये क्षेत्र है इसमें आगजनी हुई है। उसके बाद ये आग जलते हुए ये पूरे जंगल को आज लगी, अभी भी वर्तमान में भी लगी हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये गंभीर जांच का विषय है और ये इसको तुरंत जांच की जाए और ऐसे अपराधियों को कंट्रोल किया जाए। विनीत मिश्रा को किसका संरक्षण है? विनीत मिश्रा को BJP का संरक्षण प्राप्त है और विधायक जी का भी संरक्षण उनके ऊपर बना रहता हमेशा, जिसके कारण ये सारी करतूत की गई है। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे अपराधियों के ऊपर तुरंत लगाम लगाई जाए। जब आग लगी तो विनीत मिश्रा वहाँ पे खड़े हुए थे, मेरी माता राम ये हैं, वो वहीं वहाँ से लेकर के मैं बोली कि मेरे बेटे मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्या खाएंगे, कहीं उन्होंने जाना नहीं, मर जाएगी। मैं बोली कि मैं मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, फिर मेरे बेटों को दाना बचाऊँगा। मेरी अभी भी आई है, अभी बुताई है आगे। मैं ये ऐसे फूल का आप भी जल गई क्या? मेरे फूल का पर गए, पूरी शरीर मेरी जल गई है, वो दोनों आदमी